सोशल मीडिया अभिव्यक्ति तक का सबसे सशक्त माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग सेलिब्रिटी बनकर समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने अपना करियर बनाया है, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसी तरह का काम कसरावत तहसील के ग्राम रण गांव के दयाचंद यादव द्वारा किया गया, जिसने फेसबुक पेज पर लाइव आकर समाज विशेष के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर राजपूत समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी कसरावत के नाम ज्ञापन सौंप कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हम ऐसी चीजों के और ऐसे व्यक्तियों के सख्त खिलाफ है और ऐसी इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज में और सभी में सामंजस्य बना रहे। ऐसे सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अपने आप को राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बता रहा है और अपने आप को पदाधिकारी बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो हम भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन एवं जिला अध्यक्ष से मिलकर भी ऐसे लोगों को पार्टी संगठन से निष्कासित करने की समाज की ओर से मांग करते हैं, कि जिससे पार्टी और समाज के लोगों का आहित और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दयाचंद यादव जो भारूर समाज से है, उसने अगर मतलब राजपूतों के खिलाफ बोला है, उसको हम सहन नहीं कर रहे। तो ये दयाचंद है कौन सर? दयाचंद एक भारूर समाज का व्यक्ति है, जाति उसकी भारूर है, भाजपा का कार्यकर्ता है। वो क्या भाजपा का है, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी से भी जुड़ा हो, बाकी आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका नाम लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है। वो मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया, मैंने फलाने मंत्री के साथ खाना खाया और इस तरीके सांसद के साथ खाना खाया, इस तरीके से ढोस दे करके और राजपूत समाज के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा निवेदन है। नहीं नहीं, समाज की ओर से सौंपा गया है, सर्व राजपूत समाज है, यहाँ न कोई भारतीय जनता पार्टी है न कोई कांग्रेस है, हम एक राजपूत समाज के लोग एकत्रित होकर के आज ज्ञापन देना है। आगे अगर उसको दो रोज के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यहाँ जयस्तंभ चौराहे पर धरना दे करके हम उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हमारे से जो भी होगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हमारे राजपूतों के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ हमेशा विरोध में रहेंगे। कसरावत से अब्रार पठान की रिपोर्ट।